वेलकम बैक टू वेब लर्निंग लैब। आप चूज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होम पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है, और अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो यह सेटिंग आपके वेबसाइट के लिए परफेक्ट है। बट अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्टैटिक होम पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और स्टैटिक होम पेज सेटिंग के लिए आपको पहले दो पेज क्रिएट करने पड़ेंगे, फर्स्ट होम पेज और सेकंड ब्लॉग पेज। ब्लॉग पेज के अंदर आपके सारी ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले होंगे। सबसे पहले एडमिन बार में कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें, देन होम पेज सेटिंग सेलेक्ट कर लें। अभी वेबसाइट के होम पेज पे हमारी सारी ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं, बट मैं यहाँ पर एक स्टैटिक पेज चूज करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर स्टैटिक पेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पेज आप एज अ होम पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं और कौन सा ब्लॉग पोस्ट के लिए। अगर आपने अभी तक कोई होम पेज क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एड पेज लिंक के ऊपर क्लिक करके टाइटल एंटर कर लें और फिर ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। हम इस पेज को बाद में एडिट करके एक परफेक्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे, बट नेक्स्ट हमें चूज करना पड़ेगा कि हमारी ब्लॉग पोस्ट कौन से पेज में डिस्प्ले होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में साइट नेविगेशन के लिए एक ब्लॉग पेज क्रिएट किया था, सो मैं यहाँ पर पोस्ट पेज के लिए ब्लॉग चूज कर लेता हूँ। नाउ पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करके चेंजेस सेव कर लें। अब आप साइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब हमारे डेमो साइट में एक स्टैटिक होम पेज है जिसे हम बाद में डिजाइन करेंगे, और हमारी पोस्ट अब ब्लॉग पेज के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। अभी हमारे वेबसाइट में होम पेज इम्प्रेसिव नहीं है, बट इसे डिजाइन करने के बाद आपको होम पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा। फ्यूचर वीडियो में हम इसमें कुछ और ब्लॉक ऐड करेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी गुड। सो अब आप जान चुके हैं कि ब्लॉग पोस्ट के अलावा भी आप एक स्टैटिक होम पेज सेट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी भी तरह का होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।